आज मैं आपके लिए करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। और ये एक ऐसी रेसिपी है, आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप इसको बना के रख लीजिए 8-10 दिन तक, ये कभी खराब नहीं होते हैं। आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं और घर के बुजुर्गों को तो ये बहुत पसंद आते ही है, पर बच्चे भी करेले मन से खाए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाए हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे भी करेला खाना सीख जाएंगे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। करेले बनाने के लिए सबसे पहले हम इन करेलों को ये डंडी अलग कर देंगे। सभी करेलों की डंडी हमने अलग कर दी है। अब हम ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा छीलेंगे। ज्यादा नहीं छीलिएगा, हल्का हल्का सा छीलिएगा। सभी करेले हमने छील लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से चीरा लगाना है और बीज निकालने हैं। और बीज निकालने के बाद इसमें हमें नमक लगाना है। और ये जो हमने रखी है करेले के ऊपर की जो लेयर है, इसमें भी हमें नमक डाल के रख देना है। चलिए सभी करेलों में नमक लगा लेते हैं। अंदर पूरे में अच्छे से लगाइएगा और ऊपर भी लगाइए। इससे क्या होता है कि करेला हमारा कड़वा नहीं बनता है। और आप नमक लगा के करीब 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और अगर आप सवेरे बना रहे हैं तो रात में भी लगा के रख सकते हैं, और शाम को बना रहे हैं तो सुबह भी लगा के रख सकते हैं। नमक लगाने से आपके करेले कड़वे नहीं बनते हैं। ये लीजिए, सभी करेलों में हमने नमक लगा लिया है और अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। नमक लगे हुए करेलों को 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये साफ पानी से अच्छे से धोएंगे। और ये जो हमने ऊपर से छीला था इसको भी हम इसे पानी में धो लेंगे और साफ पानी में डाल के एक उबाली ले लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें ज्यादा करेलों को नहीं उबालना है, बस हमें थोड़ा सा इसको नरम करना है। तो यानी आप 2 मिनट या 3 मिनट के लिए इसको उबाल लीजिएगा। ये मैंने उबालने रख दिया है, तब तक करेले हो रहे हैं। हम ये 2 प्याज लेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से बारीक आप क्रश कर लीजिएगा। आप प्याज को क्रश करके ही डालिएगा। अगर आपने पीस ली तो पीसने से मसाले का टेक्सचर अच्छा नहीं आता है, और हमें टेक्सचर अच्छा चाहिए इसलिए प्याज को आप क्रश ही कीजिएगा। करेलों में उबाल आ चुका है और हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे जिससे कि पानी सारा अच्छे से निचुड़ जाए। गैस पे हमने पैन रखा है, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। एक ही करके आप करेले को तल लीजिएगा। तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है करेले बनाने का, और इस तरीके से बनाने से ये होता है कि करेला आपका बिल्कुल कड़वा नहीं बनता है, और घर में बड़े और बच्चे सभी करेलों को खाना पसंद करते हैं। करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
इसी तेल में प्याज जो हमने प्याज क्रश करके रखी थी वो डाल देंगे। प्याज के साथ ही जो छिलके थे उसको भी हमने क्रश कर लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। हल्का गुलाबी होने तक प्याज को हमें कुक होने देना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून ही हम आमचूर का पाउडर। अगर आप थोड़ा खट्टे ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस समय तो कच्ची अमिया भी आ रही है, आप अमिया भी डाल सकते हैं। और मसाले को हम अच्छे से भुनने देंगे, 2 मिनट में भुन जाएगा। इससे इस तरीके से करेले बनाने से ये होता है, जो करेले फ्राई करने के बाद जो तेल बचता है और फिर उसको हमें समझ में नहीं आता कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, तो वो तेल नहीं बचता है और इस तरह से उसी तेल में ये करेले बनके तैयार हो जाते हैं, एक्स्ट्रा तेल नहीं बचता है। मसाला अच्छे से हो गया है, देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और करेलों में इस मसाले को आप फिल कर लीजिए। आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपको करेलों को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है करेलों में, करेले आप बनाओ और फिर उनको बांधो, तो इस तरह से बनाने में आपको बांधना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी और बहुत आसान तरीके से आपके करेले बनके तैयार हो जाएंगे। उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालिएगा और करेलों को रख दीजिएगा। बस 2 मिनट हमें इस तरह से करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।